डोंगरी आपने विनिंग मोमेंट देखा? हाँ हाँ मैंने देखा, मैंने देखा डोंगरी में जो हुआ था उसके खिलाफ भी FIR हुआ है कि ऐसा मतलब वो लीगली नहीं था। देखो आप लोग ही बता रहे हो यार ऐसे, मुझे ऐसा लगता है पता है क्या कि मुनव्वर को भी नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ इंतज़ाम या ऐसा कुछ सेटअप इतनी भीड़ भाड़ वहाँ पे लगने वाली है। मुनव्वर पहुँचा होगा और उसने देखा तो यार ऐसे कुछ कर नहीं सकता है, मतलब लोग उसको इतना अगर प्यार करते हैं तो ही इज़ ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फैंस एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। जैसे कि आपने बोला कि अंकिता जैन का भी पर्सनल लाइफ काफ़ी खुल चुका था, हाँ, और आपका भी पर्सनल लाइफ खुल चुका था, हाँ, और अभी अभिषेक ने भी रिएक्शन दिया है, उनसे जब पूछा गया कि आप ईशा मालिनी के साथ फिर से रहना चाहेंगे बात करेंगे या नहीं, हम लोग क्यों ही एक दूसरे को फेस करना चाहेंगे, नहीं बट मेरी तरफ से ऐसा भी नहीं है कि वो अगर आज मेरे सामने से क्रॉस कर रहे तो मैं मुंह मोड़ लूंगी या मुंह बना लूंगी। मैं कॉर्डियल बिहेवियर सबके साथ, अंदर के हर एक कंटेस्टेंट के साथ रखना चाहूंगी। जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई सामने से नहीं बात करता लेकिन उदास है तभी भी मैं उनके सामने कुछ सॉरी बोलती हूं, आप ही बात करती हूं। हाँ मेरा वो नेचर यार अभी भी, मतलब मुझे पता है कि अंदर यू नो मनारा और मेरी बहुत अलग लेवल पे झगड़े हुए हुए हैं, बहुत लड़ाई हुई है, पर अगर मनारा भी मुझे दिख जाएगी सामने से मैं चली जाऊंगी उसको हाय बोलने की, हाय मनारा व्हाट्सअप हावी। मुझे लगता है कि आप ना बहुत लंबे टाइम तक ज्यादा ग्रजेस पाल के नहीं रख सकते और वो अच्छा भी नहीं है, आगे बढ़ जाना चाहिए जिंदगी में। तो अभी जब मनारा बाहर आई आप लोग का कुछ बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं हुई क्योंकि मैं भी अपने प्रोजेक्ट्स में लगी हुई हूँ। आई एम श्योर मनारा भी अभी अभी फिनाले करके बाहर आई है तो वो भी बिजी ही होगी, बट अब मैं करूंगी कॉन्टैक्ट मनारा से, डेफिनेटली मिलेंगे बातचीत करेंगे। जैसे कि अभी खबर आ रही है कि अभिषेक को खतरों के खिलाड़ी मिला है, हाँ, उसमें जाने वाले हैं, तो उन्हें आप क्या कुछ कहना? मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी अगर ऐसा है तो, मुझे नहीं पता है कि एक्चुअल ऑफिशियल न्यूज क्या है, पर आप लोग अगर बता रहे हो तो ऑल द बेस्ट टू अभिषेक। इसी के साथ अगर आपको भी खतरों के खिलाड़ी में अभी इसी वक्त चांस मिलता है अभिषेक के साथ फिर से मुलाकात होगी वही? यार मैं मुलाकात से ऐसे डरती नहीं हूँ मैं, आप वो तो आपने देखा ही होगा बिग बॉस में, मुझे किसी चीज़ से ऐसे डर नहीं लगता कि अरे बाप रे ये फेस करना पड़ेगा। मैं कभी भी सिचुएशन से भागने में बिलीव नहीं रखती हूँ क्योंकि आप भाग कब तक ही भागते रहोगे, कभी ना कहीं वो एक सर्कल लेके आपके सामने फिर आ ही जाएगी सिचुएशन। सो आई थिंक आप फेस करो उसको स्ट्रांगली, वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास अगर आज भी ऑफर आता है मैं हाँ करूँगी, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू से यस। अंकिता लोखंडे भी बोल रही थी कि मैं जो वोटिंग हुआ था मैं वो चेक करवाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं फोर्थ रैंक पर आ सकती हूँ, तो आप इस पे कितना? यार मुझे नहीं लगता कि जनता ऑडियंस कभी भी अनफेयर हो सकती है, एंड बिग बॉस इज ऑल अबाउट ऑडियंस। आप अंदर हो लेकिन बाहर आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, आपके ऊपर अपना एक जजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, तो आई थिंक जनता कभी भी अनफेयर नहीं हो सकती है। आई थिंक जो भी हो यार जनता के डिसीजन के हिसाब से हुआ है, सो